पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और घर में सभी तकरीबन बीमार चल रहे हैं। मेरा बीपी डाउन, प्रभ का बीपी डाउन, मम्मी का बीपी हाई, पापा जी को टाइफाइड। रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई बड़े नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह अभी हम घर में लगे हुए हैं चीज़ों को सेट करने पर। बीमारी है, अभी भी सेट नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि कल ब्लॉग क्यों नहीं आया, बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ करने का। तो कभी कभी आया, आजकल ऐसा होने लगा, पहले बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। तो बड़ा रेस्टलेस सा फील करता हूँ, आगे के दिनों में भी गैप आने लग जाएं ब्लॉग्स में, या हफ्ते में हम दो ब्लॉग करें, या ब्लॉग छोड़ के कुछ और मतलब कि कॉमेडी वीडियोज ही बनाएं। तो अभी पता नहीं है, आप जैसा बोलोगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा, अगर डेली व्लॉग देखना चाहते हो या कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दिन की शुरुआत हो चुकी है, बने रहें। आज देखते हैं क्या है। आज है 17 अगस्त और जब आप ये व्लॉग देख रहे हो 18 अगस्त, तो मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है। मैंने पहले आपको बता रखा था ऑलरेडी, और सभी बड़े भैया को हैप्पी बर्थडे बोल दो। उनके ना आसपास कोई दुकान भी नहीं है। जब मैं वहां पे था तब भी मैं ज़ोमैटो खोल के देख रहा था, तो कुछ भी नज़दीक नहीं है उधर, क्योंकि बीच के पास है उधर, इतना मतलब है नहीं ये उड़ीसा में। तो मैं सोचा था केक ऑर्डर करूं, मगर कुछ हो नहीं रहा उधर उस साइड। पेस्ट्री मिलती है वो भी कैंटीन के अंदर। और इधर देखो नोबिता मम्मी के साथ कैसे जफ्फी डाल के बैठा हुआ है भाई। ये देखो नोबितड़ी, ओ नोबितड़ी छोड़, मेरी मम्मी है ये। हाँ अच्छा, बिस्किट खाने के लिए बैठा है लालची। उसको पता है ना? इसको ये नहीं पता कि लालच बुरी बला है, और ये भी नहीं पता कि कुत्ते के ऊपर ही बनी है कहानी लालची कुत्ता देखो फिर आएगा खाने, ये आधे बिस्किट से क्या होएगा बेटा तेरा। मॉर्निंग प्रभ जी, कैसे हो? ठीक हूं। और क्या चल रहा है? आता आता दवाई भी दिला के लेना है। अच्छा, इनको दवाई खिलाते रहे? उनसे ये कहो कि बीबी बदल दी। चलिए, उधर दूध वाला भी आ गया घर। मम्मी ने इसका श्राद्ध करना है। क्यों भाई श्राद्ध क्यों करना है? श्राद्ध क्यों कर लिया है? श्राद्ध करना है था मम्मी ने। हाँ भी मतलब कि इसको गालियां बुलिया दूंगी कि दूध अच्छा नहीं है ये वो। ये तो आपका चलता ही रहता है, फिर लगा के क्यों रखा अगर सही है तो। वो तो मलाई लेके जा रही है अभी दिखाने। टा टा टा। चलो जी, आज हम चल रहे हैं पीछे पीछे मम्मी के। मम्मी क्या कर रही है? तू बुद्धू क्यों बनाता है? तू मेरे को बुद्धू क्यों बनाता है? दूध को सही देना कि नहीं देना? ये और कोई नहीं पा रहे। और जेड़े मासी जेड़ा तू तो बढ़िया हुआ था हुए। अच्छा, ये एक महीने का डेढ़ महीने का तेरा। ये देखो प्रभ स्कूटी निकाल रही है। ओ मैं निकला गड्डी लेके। ठोक मत देना बीमार औरत। कहनी मैं उसे गड्डी ठोक आया। तो अब हम सामान लेके आ गए हैं, बहुत सारा सामान है। देखो देसी घी लेके आया हूँ। आज घी त्योहार भी है। वैसे घर में है घी, मगर फिर भी मैंने कहा कि चलो एक लेके चलते हैं घर में। तो मम्मी क्या रेट चल रहा होगा घी? घी 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। अच्छा, 7 रुपए किलो। 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो भी है। मम्मी ना टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाती है बीच बीच में। 5 भी है, 5.5। ये 5.5 का है, ये लास्ट वाला, इसे ले। हाँ, और इसे कहीं नहीं मिलेगा। पनीर ले आया हूँ प्रभ को खिलाने के लिए, नोबिता को खिलाने के लिए। और ये देखो, ये लेके आया हूँ पॉपकॉर्न बनाने के लिए। ये पहले भी पड़े हैं क्या? पड़े हैं? नहीं पड़े, खाली है कब के। ये सादे वाले लेके आया हूँ। बाकी ये मक्खन मुखन ले आया आपका, ये ले आया। देखो प्रभ की नई दवाई, होप सो ये सही रहे। दवाइयों पे दवाइयां खा ली है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी प्रभ। ये देखो मेरे पति देव ने मुझे पनीर काट के दिया,
ऊपर ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डाल के और खुद काम कर रहे हैं। ये देखो बीवी के चमचे काम कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बताया बर्तन यहाँ पे रहते हैं तो कोई भी धो देता है, ऐसा नहीं है। तो अभी बर्तन धोने आया था, फिर कहता चलो पापा धो रहे हैं, मैं रहने देता हूँ। आप बीमार, मैं बीमार हूँ, आप मेरा ख्याल नहीं रखोगे? हाँ रखूंगी। तो बस फिर आप इतनी बीमार नहीं हूँ कि बर्तन नहीं धो पाऊंगी। नहीं कोई नहीं, आप रिलैक्स रहो, धो ही लेते हो जब धोने होते हैं, थोड़े से तो है, चार तो बर्तन। मैं सुबह में काम करके सोई थी दोबारा, झाड़ू पोछा लगा दिया था आपने तो दिल खुश हो गया। ये देखिए राजमा चावल बने हैं घर में, क्या बात है। कल भी वैसे ना मैंने ब्लॉग शुरू किया था, कल ये देखिए क्या बना था। अभी हम खाने लगे हैं अपना खाना, नाश्ता भी यही है, लंच भी यही है, और मम्मी ने बनाए हैं चावल और साथ में बैंगन की सब्जी। बैंगन की सब्जी और चावल का जो स्वाद है ना, वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खा, कल भी अच्छा खाने को मिला, आज भी अच्छा खाने को मिला, हमें रोज ही अच्छा खाने। जन्मदिन के दिन, हाँ जन्मदिन के दिन हमने बाहर खाया, हाँ, तो घर में राजमा रह गई थी, हाँ, तो, मेरी बहू को राजमा चावल पसंद है, हाँ, तब बना रखा। तो ये खाएगी बहू राजमा चावल। अब बड़े भैया को कॉल किया जा रहा है क्योंकि उनका बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बड़े भैया, Happy birthday to you. हो गया? सेम रिपीट कर दिया तुम लोगों ने तो है। सेम ही रिपीट करना था और क्या करना था? बड़ों के नक्शे कदम पे ही चलते हैं छोटे। अच्छा। और बताओ कहाँ मजे ले रहे हो? हम तो पंजाब में ही मजे ले रहे हैं, आप बताओ उड़ीसा में मौसम कैसा है? हाँ यहाँ तो चमचमा रहा है, गर्मी है कि बारिश है? बारिश चल रही है। अच्छा फिर ठीक मौसम हो गया मतलब अब? हाँ समुंदर तूफान उड़ा रहा है। अच्छा ज्यादा ना उड़ा दे कहीं बिल्डिंग तक पहुंच जाए। आते हैं बोला, हर साल आते दो तीन बार तो साइक्लोन। अच्छा मौसम हो रहा है वैसे ही कि बिल्डिंग तक आ जाता पानी फिर? नहीं बिल्डिंग तो कहाँ आता होगा, वहाँ सड़क तक पहुँचता होगा। हाँ सड़क तक पहुँचता होगा। बताओ आप क्या कर रहे हो आज? मैं क्या करूँगा, मैं तो सो रहा हूँ बस आराम से। अच्छा कितने दिन हो गए घर आए को? हमें क्या करना है यार, एक महीने में तीन तीन चार चार बर्थडे हो जाने कहाँ से होगा। पर एक महीने में होते हैं ना, फिर पूरा साल तो बेले रहते हो। मनो आ गया। अच्छा स्कूल से? स्कूल। हेलो बेटा कैसे हो? अच्छा कैसे है? मैं बढ़िया, मेरे को मिस नहीं करता तू? बता झूठ बोलता है। दादी से बात कर रहा हूँ तेरी? अभी आया है स्कूल से। अच्छा स्कूल से आया है टकुली? जब मम्मी के पास। हेलो 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 क्या हो गया प्रभ? हेलो क्या हो गया, ये किसका नंबर है? मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। हो कहाँ पे? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा ना फोन भी टूट गया, वो हे भगवान हो। तुम हो कहाँ पे बताओ, मैं अभी आती हूँ। सब कुछ बताता हूँ, ये आदमी से मैंने पकड़ के फोन किया है। अभी ना मैं व्हाट्सएप में क्यूआर कोड भेजता हूँ, उसमें 15,000 भेज देना, मैं घर में आकर बताता हूँ। ठीक है मैं अभी भेजती हूँ, तुम हो कहाँ पे यार? मैं बताता हूँ, और दे रहा हूँ नहीं पैसे, दे रहा हूँ आपको, रुको ओके भेज देना है। ओके क्यों, मुझे क्या हुआ? ठीक? अरे तुम ही ने तो फोन किया था अभी के, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कब फोन किया तुम्हें पागल? अरे अभी 10 मिनट पहले तो रो रो के कॉल किया तुमने मुझे। अच्छा मैंने रो रो के कॉल किया और फिर मैं ठीक ठाक आ गया घर में? अरे सच में तुम्हारा ही फोन था, तुम्हारी आवाज थी यार। अरे तुमने मेरे को कॉल किया फिर? तुम ही ने तो कहा कि मेरा फोन टूट गया है। तुमने पैसे पूछे तुम भेजे? अरे भेजे ना, तुमने 15,000 मांगे मैंने भेज दिए। पागल हो क्या यार, एक स्कैम चल रहा है ये, तुमने 15,000 भेज दिए?
आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है। इसमें साइबर ठग एआई की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। अगर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है, उसको बोलिए रखो और फिर अपने उस रिश्तेदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए। इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए, 4000 लोगों पे सर्वे हुआ। तो दोस्तों आज पापा घर में आ रहे हैं और मैं उनको लेने जा रहा हूँ, मतलब आ ही गए हैं वहाँ पे, तो पहुँचने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ लेने। पापा थोड़े से बीमार हैं। नमस्ते पापा। तो पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और बुखार भी 101 बुखार था, अभी दवाई लेके आए हैं और अभी टेस्ट करवाने भी जाएंगे। देखो नोबिता भी हाल चाल पूछ रहा है पापा का। पापा जी के लिए नारियल भी लेके आ गया हूँ, एक नारियल उन्होंने पी लिया है और फिलहाल वो रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी और प्रभ गए हुए बाहर, मोहल्ले वालों का कोई प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। पापा कर रहे हैं रेस्ट, दवाई दवाई भी ले आए हैं, टेस्ट करवा लिए हैं, अभी मैं टेस्ट लेने जाऊँगा। चाची बनी हमारी टीचर डांसिंग टीचर। राइट हैंड जेड़ा वो जाएगा पीछे, ते पैर जाएगा आगे। तुर दिशा में ब्लॉगिंग करी आपकी छोटी ब्लॉगिंग शनाया। ठीक है फाइल से ये चाहे वैसे भी आपका जो भी ड्रेस पाएंगे ड्रेस को भी ऐसे से कर सकते हैं। सिर्फ राइट हैंड ना करना। बोड़ा वाली चप्पड़ी बना दे ओले, तुर दिशा में होले होले। देखो आप तुरते हैं, आप कितने तुरते हैं, अपना जेड़ा पैर अगे जाता है हाथ पीछे जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। ओही करना है आपा, तुर दिशा में होले होले। राइट पैर आप शुरू तो आही पैर अगे पीछे कर रहे हैं ना। तुर दिशा में होले, कला पैर करो। तुर दिशा में होले होले, तुर दिशा में होले होले। दोबारा मैच नहीं हो रहा। 5 6 7 गो। बोड़ा वाली छपड़ी बना दे ओले, तुर ओने कंडिया कढ़ाइया मेरे सामने सिपाही। 1 2 1 2 स्टेप है, ठीक है। 1 2 लॉन्ग कढ़ाया सुनाया तेरी मां नु सुनाया, ओने कंडिया कढ़ाइया मेरे सामने सिपाही। लॉन्ग कढ़ाया तेरी मां नु सुनाया, ओने कंडिया कढ़ाइया मेरे सामने सिपाही। मेरे बच्चे ने ताल चूरिया मैं लॉन्ग गवाइया। तो दोस्तों पापा की रिपोर्ट लेके आ गए हैं प्रभ और मैं, और पापा की रिपोर्ट में ये निकला है कि इनको है टाइफाइड और इनके सेल भी घटे हुए हैं, डेंगू नहीं है। मतलब सभी टेस्ट हमने करवाए तकरीबन जितने भी टेस्ट होते हैं, तो उनमें से इनको टाइफाइड निकला है और दवाई हम लेके आ गए हैं पापा की, और इनको नारियल पानी भी पिला दिया है, फ्रूट्स भी खिला दिए हैं और रेस्ट करने को बोला है। डॉक्टर ने बोला है कि दवाई खिलाने से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इधर प्रभ खड़ी है। एक और बड़ी सरप्राइजिंगली चीज़ ये पता लगी कि मेरे को ना नींद बहुत आई जा रही थी। प्रभ बीपी अपना चेक करवाने की रोज़ ही चेक करवाती है, सुबह भी इनकी दवाई लेके आए हैं, तो अभी कह रही है फिर चेक करवाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डांस करवाने गए मोहल्ले में तो इनका बीपी लो सा हो गया, तो वहाँ चेक करवाया। इनका बीपी नॉर्मल आया, मैंने अपना बीपी था, थोड़ा कम था, पर थोड़ा इनका कम और ज्यादा कम, मेरा इनसे भी कम, मेरा 60 था और इनका तुम्हारा कितना, 75, मेरा 60 आया, मतलब इनसे भी कम मेरा बीपी। पता नहीं हम दोनों मियां बीबी को क्या हो गया, हम दोनों का बीपी डाउन जा रहा है, इंदिया बीबी का अप जा रहा है। पापा और मम्मी का ये बड़ा हुआ है। मम्मी आपका क्यों बीपी बढ़ता है भाई, हैं? पता नहीं क्यों बढ़ता है, बताओ। पता नहीं, मम्मी कहते हैं कि जितना आप चिड़चिड़ करते हो ना तो आपका बीपी बढ़ना चाहिए, आपका बीपी कम कैसे है। इसी वजह से ना थोड़ा मेरे को लग रहा है लो लो फील हो रहा है, इसीलिए ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा और हम ब्लॉग बना नहीं रहे हैं। और
मैं सुबह उठा 9:30 बजे, 9:30 बजे उठा हूँ मैं, और व्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया था कल, थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की थी, हिम्मत की थी, वो मैंने थोड़ा आपको फुटेज दिखाई दिया है, चावल चुवल खा रहे थे, उसके बाद तो मैंने दिल ही नहीं कर रहा था, बस इधर पड़ जाऊँ उधर पड़ जाऊँ, उठाऊँ इधर गिर जाऊँ उधर गिर जाऊँ, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो ये कुछ है, सॉरी, मगर हम जल्दी एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और उधर भी भैया भाभी के साथ भी क्या हुआ, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए, अभी उनसे मेरी बात हुई फोन पे, तो पूरी दुकानें बंद, वहाँ जब भी कोई फेस्टिवल होता है उड़ीसा साइड तो दुकानें बंद हो जाती हैं, और कुछ भी उनका मतलब कि सेलिब्रेशन उस तरह बाहर नहीं हो पाया, मगर भाभी ने घर में अच्छा खाना पीना बनाया उनके लिए, और अपनी तरह से जो कर सकती थी उन्होंने हैप्पी बर्थडे घर में मनाने की कोशिश की, तो इसलिए वहाँ से भी कोई फुटेज नहीं आई, नहीं तो कर ही देते कुछ ना कुछ ऐसा। ये देखो इधर मम्मी हमारी नज़र उतार रही है दोनों की, बर्थडे भैया को हैप्पी बर्थडे बोल दो, और घर में सभी तकरीबन बीमार चल रहे हैं, मेरा बीपी डाउन, प्रभ का बीपी डाउन, मम्मी का बीपी हाई, पापा जी को टाइफाइड, और नोबिता हमारा है वैसे ऑलरेडी करता है, तो सभी के लिए दुआ करो कि सब ठीक ठाक हो जाए। और ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल रखी है क्वेश्चन आंसर वाली, आप उसमें क्वेश्चन पूछ लेना, मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और ठीक है कोशिश करूंगा, बनाता रहूं ना रुकूं, ठीक है हिम्मत करता रहूं, गिरूं ना घुटने ना टेकूं, बाय बाय, जय हिंद, लव यू सो मच।